stumps. 3 in the over for Shaheen. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमों में से एक है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ने क्रिकेट के हर शोबे में तरक्की हासिल की है, चाहे वो धुआंधार बैटिंग हो, नाकाबिले यकीन फील्डिंग या फिर बॉलिंग। मगर ये दुनिया क्रिकेट में हमेशा अपने खौफनाक बॉलर्स की वजह से ही जानी जाती है। पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे ही बॉलर्स को क्रिकेट के मैदान जंग में उतारा है, जिन्होंने हर मैदान में बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के 10 बेहतरीन बॉलर्स की बात करने वाले हैं, जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल की हैं। नंबर 10, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लेजेंड और साबिक फास्ट बॉलर हैं, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में IPL के अलावा दुनिया की हर महंगी क्रिकेट लीग में हिस्सा लेते हैं। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक स्विंग बॉलर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी तबाहकुन बॉलिंग से कई बार इंडियन बैटिंग लाइन को तबाहो बर्बाद किया है और अच्छे अच्छे बैट्समैन की छुट्टी करवाई है। मोहम्मद आमिर ने 50 T20 मैचों में शानदार 59 विकेट हासिल की हैं। उनका शुमार पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में होता है। नंबर 9, हसन अली। हमारी फहरिस्त में नंबर 9 पर मौजूद पाकिस्तान के बेहतरीन सीमर हसन अली हैं, जिनको दुनियाई क्रिकेट में मोस्ट फनीस्ट प्लेयर भी कहा जाता है। उनके पास बेहतरीन बॉलिंग स्पीड के साथ गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की सलाहियत है, जिसकी वजह से ये बैट्समैन को आसानी से आउट कर सकता है। उन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए 50 T20 मैचों में 60 विकेट्स हासिल की हैं। उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में होता है। नंबर 8, मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के साबिक और अजीम ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो इस वक्त रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के लिए हेड कोच के फरज भी सर अंजाम दे रहा है। उन्होंने 16 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप और ICC चैम्पियन ट्रॉफी जैसे अजीम टूर्नामेंट्स जितवाए हैं। मोहम्मद हफीज़ ने 119 T20 मैच खेले, जिनमें शानदार 61 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए थे। उनका शुमार पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में होता है। नंबर 7, इमाद वसीम। इमाद वसीम पाकिस्तान के बेहतरीन प्रीमियर ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट की जंग लड़ता है। ये एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, जो कि गुड लेंथ और लेंथ में गेंद को स्विंग करके अच्छे अच्छे बैट्समैन को अपना शिकार बना लेता है। इमाद वसीम ने अब तक 66 T20 मैच पाकिस्तान के लिए खेले हैं और शानदार 65 विकेट हासिल किए हैं। वो 2017 में ICC चैम्पियन ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के अहम रुकन थे। नंबर 6, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जो कि T20 वर्ल्ड कप में टीम के मौजूदा कप्तान हैं। उनके पास पावर, स्पीड, स्विंग और यॉर्कर जैसी सब सलाहियतें हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आजकल के नामी गरामी बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा है। ये अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल करने की वजह से फेमस हैं। उन्होंने अब तक 53 T20 मैचों में 67 विकेट्स हासिल किए हैं। अभी उनके पास काफ़ी क्रिकेट बाकी है, वो पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर बन सकता है। नंबर 5, हारिस रऊफ। हमारी फहरिस्त में नंबर 5 पर पाकिस्तान के स्पीड स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैं, जो कि मौजूदा क्रिकेट फील्ड के अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। ये मुसलसल 145 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करवाने वाले दुनिया के चंद एक फास्ट बॉलर्स में से एक है। ये बिग बैश लीग में हैट्रिक करने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर हैं। उन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए 63 T20 मैच खेलकर 85 विकेट्स हासिल की हैं। उनका शुमार पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर्स में होता है। नंबर 4,
सईद अजमल। सईद अजमल पाकिस्तान के साबिक और अजीम स्पिन बॉलर थे। उन्हें क्रिकेट में म्यूजिशियन बॉलर भी कहा जाता है। ये एक ऑफ ब्रेक बॉलर थे और गेंद को ऑफ स्पिन करने के साथ साथ दूसरा करने के भी माहिर थे। उनके दौर में खेलने वाले बैट्समैन ये जानते थे कि अजमल डर का दूसरा नाम है। सईद अजमल ने 64 T20 मैच पाकिस्तान के लिए खेले, जिनमें 85 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए थे। ये T20 में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाले पाकिस्तान के चौथे बॉलर हैं। नंबर 3, उमर गुल। उमर गुल पाकिस्तान के साबिक और ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक हैं। उनके पास गेंद को रिवर्स स्विंग करने की महारत थी और उनके परफेक्ट यॉर्कर भी बैट्समैन के लिए किसी मुसीबत से कम न थे। उन्होंने 7 साल तक क्रिकेट की दुनिया में राज किया और काफी अरसा T20 में दुनिया के नंबर 1 बॉलर भी रहे हैं। उमर गुल ने 60 T20 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और वो भी सईद अजमल की तरह 85 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए थे। नंबर 2, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के साबिक और अजीम ऑलराउंडर हैं। ये दुनियाई क्रिकेट में सबसे खतरनाक पावर हिटर बल्लेबाजों में से एक थे, मगर उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी क्रिकेट फील्ड में सबको अपना दीवाना बनाया था। ये गेंद को लेग स्पिन और गुगली करने के माहिर थे। शाहिद अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा ODI विकेट हासिल करने वाले दुनिया के टॉप 10 बॉलर्स में से एक हैं। उन्होंने 98 T20 मैचों में 97 विकेट हासिल की। वो T20 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले पाकिस्तान के दूसरे बॉलर हैं। नंबर 1, शादाब खान। शादाब खान पाकिस्तान के नौजवान और बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। ये डेथ ओवर्स में पावर हिटिंग करके अच्छे अच्छे बॉलर्स को परेशान करते हैं और उनकी जादुई स्विंग बॉलिंग भी मुखालिफ बैटिंग लाइन के लिए एक खतरनाक हथियार है। शादाब खान ने अब तक 92 T20 मैच खेलकर 104 विकेट हासिल किए हैं। वो सबसे ज्यादा T20 विकेट हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर हैं। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 10 बेहतरीन बॉलर जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। Also subscribe our channel for more cricket videos.